अलैक्म गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सी कंट्रीज है जिनका वीज़ा रेशो 100% है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। उससे पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह सब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ताकि स्टूडेंट्स को कंसल्टेंट्स के पास ना जाना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेल्जियम। बेल्जियम का वीज़ा रेशो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 100% है। इसकी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेते हैं। इसके वीज़ा के लिए ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है 8500 यूरोज़ का। आपने ये अमाउंट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सबमिट करवा देनी है, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। और ये अमाउंट लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं आपके, जो आपने आपको हर मंथ वो थोड़े थोड़े करके वापस करेंगे और एक साल में सारी अमाउंट वापस हो जाएगी। तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है 200 यूरोज़। ये आपने इस्लामाबाद एम्बेसी में सबमिट करवानी है, इस्लामाबाद में जो बेल्जियम की एम्बेसी है। और बेल्जियम की बात करें तो इसके बारे में बहुत से कम लोगों को पता है। सेंट्रल यूरोप में है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ी बहुत मिनिमम होती है, 2000 यूरो इसकी एनुअल फ़ी होती है मैक्सिमम। यूनिवर्सिटी ऑफ गेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प, यूनिवर्सिटी ऑफ हेसल्ट, ये कुछ इसकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें काफ़ी कम सेचुरेशन है, बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो करंटली इसमें अप्लाई करें, इस कंट्री का वीज़ा रेशो भी अच्छा है और यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे का वीज़ा रेशो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए 100% है, जबकि बैचलर स्टूडेंट्स के लिए इसका वीज़ा रेशो 0% है। इसलिए बैचलर स्टूडेंट्स नॉर्वे में अप्लाई करने से गुरेज करें, क्योंकि मास्टर स्टूडेंट्स लाजमी अप्लाई करें। जो भी जिस भी स्टूडेंट को नॉर्वे में एडमिशन मिलेगा उसको वीज़ा गारंटीड है। इसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं। 1,21,230 नॉर्वेजियन क्रोना, ये अमाउंट आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती है। ये कम बेस 20 लाख रुपये बनता है पाकिस्तानी। आपने ये यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। वो एक लेटर बना के देंगे, उसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। और वीज़ा मिलने के बाद जब आप नॉर्वे जाएंगे तो आप ये सारी अमाउंट एक ही टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं, और जिससे भी आपने ली होगी ये अमाउंट, अगर लोन लिया तो आप वापस कर सकते हैं फ़ौरन। तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी इसकी 80,000 रुपीज़ है, 87,000 रुपीज़, जो 5,300 नॉर्वेजियन क्रोना बनती है। इसका भी सेम प्रोसीजर है, इस्लामाबाद में एम्बेसी है नॉर्वे की, वहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस कंट्री की खास बात है यहाँ ट्यूशन फ़ी 0 है, मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर स्टूडेंट को। पार्ट टाइम जॉब भी अवेलेबल है। इंग्लिश वहाँ की काफ़ी आवाम जानती है, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को भी जॉब मिल जाती है। और इसकी एक खास बात है कि डिग्री के बाद आपको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा भी मिलता है। तो ये नॉर्वे की खास बात है, ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। थर्ड पे आती है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के बारे में किसी को भी नहीं अंदाज़ा होगा कि ये कंट्री भी एग्जिस्ट करती है यूरोप में। ये सेंट्रल यूरोप में आती है, बॉर्डरिंग कंट्री है स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस, और ये थोड़ी हाई अल्टीट्यूड पर है। इसका वीज़ा रेशो 100% है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग है, जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और एडमिशन हो जाए तो आपको वीज़ा मिलना भी 100% हो जाता है यकीनी। बहुत कम एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से, तो बहुत ही ज़्यादा कम एप्लीकेंट्स हैं जिनको पता होगा इसके बारे में। इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। इसका वीज़ा भी बेल्जियम की एम्बेसी में अप्लाई होता है, लग्जमबर्ग की अपनी कोई एम्बेसी नहीं है, क्योंकि बेल्जियम की एम्बेसी ही इसका वीज़ा डील करती है। इस्लामाबाद में आप इसका वीज़ा अप्लाई करेंगे, इसकी वीज़ा फ़ी सेम बेल्जियम की तरह 200 यूरो तक है। ये हाईली डेवलप्ड कंट्री है, पार्ट टाइम जॉब बहुत अवेलेबल है। और इसके अलावा डिग्री के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो लग्जमबर्ग में बहुत अवेलेबल है। आप डिग्री पूरी करने के बाद दूसरी कंट्रीज में मूव कर सकते हैं। इस कंट्री के ये सब फ़ायदे हैं जो, लेकिन वीज़ा इसमें सेचुरेशन बहुत कम है। सेचुरेशन का मतलब है कि बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, और जो भी अप्लाई करता है उसको वीज़ा मिल जाता है। तो करंटली इस अपॉर्चुनिटी को भी आप अवेल करें। फोर्थ नंबर पे आती है जर्मनी। जर्मनी का वीज़ा रेशो 90% है, 90 से 99% तक। कोई हार्डली कोई वीज़ा रिजेक्ट होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक ना होने की बेस पर ही रिजेक्ट होता है। इसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं। ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है 10,230 यूरो का, जो बनते हैं 17.5 लाख या 18 लाख। ये यूरो की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में यूरो की वैल्यू क्या चल रही है जब आपने अप्लाई किया है। इस कंट्री की भी खास बात है, कोई ट्यूशन फी नहीं है, 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा भी मिलता है डिग्री के बाद, पार्ट टाइम जॉब भी अवेलेबल है। इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी है, वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। और वीज़ा फ़ी इसकी सिंपल 16,000 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी कम है। तो जर्मनी में जॉब रेशो बहुत ज़्यादा है, जर्मनी हब है यूरोप का। तो आप इस कंट्री को अपनी नज़र में रखें, इन चारों कंट्रीज़ में अप्लाई करें। जिस भी कंट्री में आपका एडमिशन होता है तो आप उसमें वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा इंशाल्लाह मिलेगा।